हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए किया हूँ आमड़े की चटनी की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने पहले से आमड़े को काट के रख लिया है। ये मसाले हैं, इसको हम पीस लेंगे। इसको हमने पीस के रख लिया है। कढ़ाई गरम करेंगे, सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब जीरा ऐड करेंगे। आमड़े को काट के रखा था उसको ऐड कर देंगे। इसको चला करके भून लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कैसे भून रहे हैं। इसको हम ऐसे ही भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि खट्टापन ज़्यादा होता है ना, तो नमक इसमें ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है। अब हमने इसको निकाल लिया है, उसी तेल में हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले को 2 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे, अच्छे से पका लेंगे मसाले को। अब देख सकते हैं हम कैसे भून रहे हैं। तो मसाला हमारा पक चुका है। तब इसमें हम भुने हुए आमड़ा डालेंगे जो हमने भून के रखा था। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे 2 मिनट तक। ऐसे ही मसाले में हम भूनेंगे आमड़े की चटनी को। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है। ये चावल के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। तब इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, और ये बहुत ही चटपटा लगता है खाने में। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यस किचन को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।